चलिए दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है थैंक यू इन एक्सपेरिमेंट क्लासेस पे। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये एक रिपोर्ट है जो कि द हिंदू के अखबार में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कि ये बोला गया है कि रूरल में जो है 14 से 18 साल के बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब 80% लगभग, 70-80% बच्चे के बारे में बता रहा है, 14 से 18 साल के जो है वो क्लास 3 के मैथ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि रीड तक नहीं कर पा रहा है। तो उसी के बेसिस पे अभी क्या हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंडिया का, वो एक नोटिस निकाला था कोचिंग संस्थान को लेकर के, वो जो कि इस तरह से है। थोड़ा सा इसमें बोला कि केंद्र सरकार के जो लेटर जारी हुआ है, इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग, मतलब कोचिंग बंद तो ऐसा नहीं था, उसमें सीधा बोला था कि कोचिंग में नामांकन नहीं किया जाएगा। तो उसका मतलब भी यही निकलता है कि ये उसमें नहीं पढ़ेगा। तो इसका पॉजिटिव निगेटिव विश्लेषण फिर वो रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, सारे पॉइंट को लगभग थोड़ा बहुत करके देखते चलते। सारे को देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 पेज का रिपोर्ट है, तो कुछ कुछ पॉइंट को उसमें से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे उसका थोड़ा बहुत सारांश, क्या क्या कहना चाह रहा है, पूरा रिपोर्ट का सारांश क्या निकलता है। चलिए देखना शुरू करते हैं। चलिए रिपोर्ट का ये पहला पेज, इसमें जनवरी 2024 लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें पृष्ठभूमि है, फिर पृष्ठभूमि जो लिखा है इसमें बोला है छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामले, आगे घटनाओं, सुविधाओं की कमी के साथ साथ शैक्षणिक शिक्षण के तरीके के संदर्भ में निजी कोचिंग के संदर्भों में संबंधित मुद्दे से समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। बोल रहा है कि आत्महत्या के मामले, सबसे आत्महत्या के मामले कहाँ दिखते हैं, कोटा में, सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो वहां पर सरकार का बोल रहा है कि नजर को घिसते जा रहा है, मतलब ध्यान जाता है सरकार का उस मुद्दे पर। तो उस मुद्दे पर ध्यान जाता है, तो इन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया उनको कम करने के लिए, इनको देखते पहले सब देखिए। आत्महत्या के मामले में कोचिंग संस्थान, और ये बोल रहा है थोड़ा सा इस पॉइंट पे देखिए, शिक्षण के तरीके के संदर्भ में निजी कोचिंग। भाई शिक्षण के जो तरीका है तो गवर्नमेंट वाला था बहुत बढ़िया है, था गवर्नमेंट वाला बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए तो निजी में जा रहा है। जब मतलब कभी कभी गवर्नमेंट के लिए भी जारी किया करो, उसमें थोड़ा सा जाँच लिया करो। इसलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि ये जो केंद्र सरकार है, इसमें मतलब छात्रों के द्वारा कहीं कहीं कोचिंग संस्थानों पे अत्यधिक फीस वसूला जाता है, उसको मतलब ये बोल रहा है, और उसके कारण अनुचित तनाव परिणाम स्वरूप छात्र के द्वारा आत्महत्या, आग लगाकर, अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन को हानि पहुंचाया जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, देखिए हो सकता है कहीं कहीं कोचिंग संस्थानों में अत्यधिक अधिक फीस वसूला जा रहा होगा, कुछ कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे कोचिंग संस्थान दूध का धोआ हुआ है, उसमें भी हो सकता है कि कहीं कहीं अधिक अधिक थोड़ा बहुत तनाव देता होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना तनाव नहीं देना चाहिए जिससे कि आत्महत्या करने की नौबत है, ये रिपोर्ट का कहना है। लेकिन पूरे की तरफ ध्यान से देखेंगे तो अधिकतर कोचिंग में पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से, समझाया जाता है, उसके बाद कुछ बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। अब बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देता है क्वेश्चन सब, तो अब इस थोड़ी ना कि उसको मशीन बना करके उसमें उतना कौन इतना मतलब रखता है बच्चों से, फी लेता है अधिकतर और बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता है, अब उसको उतना थोड़ी दबाव दिया जाता है कि नहीं करोगे तो मारना पाड़ेंगे पीटेंगे, जब बच्चा खुद उम्रदार हो 10th पास कर जाता है तो उसको कौन मारता पीटता है भाई। और उसके 10th के पहले थोड़ा बहुत मारपीट करता है, डराता धमकाता है, उसके लिए इतना नहीं दबाव देता है कि वो आत्महत्या कर ले, ये अधिकतर का है। और कुछ कुछ परसेंट में हो सकता है कि अगर ऐसा करता हो तो बहुत ही घिनौनी काम है फिर। तो ये फिर आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है इसमें, एक पॉइंट और बोल रहा है, देखिए निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, इस पे पॉइंट पे बात करो भाई एक बार। इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि बेरोजगारी भी तो बढ़ती जा रही है, ये नियमित सच है कि बेरोजगारी जब बढ़ता जा रहा है, पढ़ा हुआ है अब उसके पास, तो तुमने ऐसा कोई स्किल दिया नहीं, अरे भाई क्यों नहीं दिया, अरे बताता है अभी क्या चल रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल का तो पता नहीं, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट में अधिकतर जो चल रहा है कॉलेज, उसमें प्रैक्टिकल में भरो कॉपी और आराम से, प्रैक्टिकल कॉपी भरना चाहिए, तुमको प्रैक्टिकल आता है कि नहीं आता है डोंट, कोई उससे मतलब नहीं रखता है भाई, तुम्हारा प्रैक्टिकल का कॉपी अच्छा से बस भरा होना चाहिए, उस पर नंबर देता है। अब उसको आगे चल कर जॉब मिलेगा, नहीं मिलता, अधिकतर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर IIT NIT की नहीं, IIT NIT बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल कराया जाता है,
अब वो करेगा क्या, अब उसको कोचिंग खोलना पड़ेगा मजबूरन, तो वही कोचिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। और देश में इंजीनियर किस तरीके से बढ़ रहा है इससे बेहतर कौन जानता है। अगर आप ढूंढेंगे अपने शहरों में अगर 10 कोचिंग है तो अधिकतर चांस है कि एक दो इंजीनियर तो निकल ही जाएगा, हो सकता है ना तो 9, 8, 9 भी निकल जाए। चलिए और आगे के पॉइंट को देखते हैं अच्छे से। चलिए 9वां पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करते हैं। उधर भी और सारे पॉइंट है, अगर आपको पढ़ना है तो आप भी जाइए एजुकेशन वेबसाइट पे जाइए गवर्नमेंट का जो है, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें कुछ कुछ पॉइंट का हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसमें 9th पॉइंट को पढ़िए, इसमें क्या बोला है, ये जो कोचिंग संस्कृति है ये प्रोत्साहन करने वाले होते हैं, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रोत्साहन करने के वाले और उसके वजह सिखाने के लिए नियमित संरचनात्मक मूल्यों पर केंद्रित करना। अब ये क्या कह रहा है, मूल्यांकन केंद्रित करने का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मार्ग की वजह जो है उसको सीखने के लिए नियमित मतलब जो भी संरचना रहता है वो विकसित कीजिए। अब इसको कौन समझाए कि कोचिंग संस्थान को सिर्फ मार्ग से मतलब रहता है, बच्चा सीखा उससे बहुत ही कम मतलब रहता है। तो अब ये जो कह रहा है किसी भी तरह से हो सक बहुत होने के लिए तो हो सकता है मे भी, लेकिन अधिकतर जो है वो देखता है कि मार्क कुछ कोचिंग से अच्छे से अच्छा आएगा ताकि फिर आगे से बच्चा उसमें जाएगा, अब उस पर सीखने पे जोर देगा तो उसका कोचिंग चलेगा, तो ठप करके ताला लगाना पड़ेगा उसको। चलिए आगे देखते हैं क्या करते है, और क्या क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 NEP लिखा हुआ है शॉर्ट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या बोल रहा है, इसके हानिकारक पहचान, आज की जो कोचिंग संस्कृति है इसके इससे हानिकारक प्रभाव को पहचाना गया होगा। हाँ पहचाना गया होगा, बहुत सारे हानिकारक पहचाना गया होगा, कुछ तो कुछ ऐसा दबाव को दबा डालते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे कोचिंग संस्थान में भी धांधली होती है, लेकिन जो 9th 10th सबको पढ़ाते हैं ये मेनली उस लेवल के नहीं रहते हैं, उसमें ज़्यादा टर्न ओवर भी नहीं है। फिर जब सरकार को 1 लाख रुपया देगा तो इसमें और देखते हैं क्या क्या करता है और, लेकिन इसमें बोल रहा है कि पहचाना गया तो क्या पहचाना गया होगा, तो इसमें यही मेनली पहचाना गया है कि बहुत ज़्यादा फीस लेता है और जो वादा करता है एक्चुअल में थोड़ी वहाँ आता है। जैसे थंबनेल यूट्यूब का अट्रैक्टिव रहता है ना, वही तरह से प्रचार में भी अट्रैक्टिव वर्ड से प्रचार करता है वो लोग। चलिए इस पॉइंट में देखिए, इसमें बोला है हाल ही में जो चर्चा किया गया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने की रणनीति से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है। मतलब ये कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने वाला है। अब ये कोचिंग संस्कृति को समाप्त करेगा इसके लिए आज नहीं होगा, इसको कदम उठाना पड़ेगा, पहले उस स्तर का एजुकेशन देना पड़ेगा उस लेवल पे, तब जाकर के कोचिंग संस्था में कोई क्यों आएगा, तो उस लेवल पे काम करने की वजह इस लेवल से ये सिर्फ पॉलिसी निकाल करके नहीं होगा, उसको जमीनी स्तर पर जाके काम करना पड़ेगा उस जो चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल सब तब जाकर के ये बंद होगा। उसमें कुछ ना कुछ नवाचार दिखाना पड़ेगा, सिर्फ नोटिस निकाल दो कोचिंग बंद ऐसे नहीं चलता है भाई, ये सब पता चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं मतलब जो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, रखा होगा पता नहीं किस तरह से बात कर रहा है वो लोग। चलिए और देखते हैं और क्या क्या बोल रहा है वो, इसमें शामिल कौन कौन है। एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोचिंग का जो मालिक है वो शामिल है, ट्यूटर शामिल है, ट्यूटर मतलब जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं या विशेष ट्यूशन देते हैं वो भी शामिल है, जो कि घर घर पढ़ाने जाते हैं वो भी शामिल है। आगे देखिए इसमें और क्या क्या लिख, इसमें जो सारा बवाल बचता है ये गो नंबर का जो है, इसमें बोला है 16 वर्ष से कम आयु की जो छात्र होगा उसका नामांकन नहीं करेगा, और छात्र का नामांकन मध्यमिका मतलब 10th पास करने के बाद ही उसका नामांकन किया जा सकता है कोई भी कोचिंग संस्थान में, ये कहना चाह रहा है ये वाला। और देखिए इसमें क्या क्या बोला है, ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति सेवा नहीं लेगा जो नैतिक क्या बोल रहा है, नैतिक अधर्म से मतलब अपराधों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, या उसको दोषी ठहराया गया हो, इसे कोई भी सेवा नहीं लेगा। तो ठीक है आगे और देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। जब तक ये पंजीकृत ना हो और इसमें दिशा निर्देश की अपेक्षाकृत अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो, परामर्श प्रणाली मतलब होता है उसका सारे चीज जो डिटेल से होता है वो बताने वाला। और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें बता रहा है भाई, जो भी कोचिंग संस्थान चला रहा है उसके पास वेबसाइट होना चाहिए और उस वेबसाइट पे पूरा अपलोड होना चाहिए उसके पास, उस पहले तो उसका समय पता होना चाहिए क्लास का, फिर उसमें लिया गया कितना फीस है वो, फिर कोचिंग क्लास से संबंधित जितना भी जानकारी है वो सब का सब उस वेबसाइट पे अपलोड रहना चाहिए, फिर उसमें टीचर का भी जितना क्वालिफिकेशन है वो सारा का सारा उसमें वन बाय वन करके अपलोड रहना चाहिए।
ये सब नया नया जो अभी निर्देश दिया गया वो सब में और भी है, इसमें 15 फिर तो उतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, इतना एक्सप्लेन किए थे उतना आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो के लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद।